प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। महान आत्माएं जो पूज होते हैं, आराध्य होते हैं, भगवान होते हैं, इनमें भी दो प्रकार होते हैं। कुछ लोग भगवान तो बन जाते हैं लेकिन दुनिया उन्हें भगवान मानती नहीं और ना उनके ज्ञान का विषय बनता है ना उनकी श्रद्धा का विषय बनता है। दूसरे भगवान वो होते हैं जिनको दुनिया मानती है, उनको एहसान मानती है, उनके जाने के बाद उनके मंदिर बनाती है, उनके जाने के बाद उनका नाम लेती है, उनके जाने के बाद भी उनका अतिशय दुनिया में विद्यमान होता है, उसके बाद भी लोगों का मन होता है कि वो चले गए तो क्या हुआ, नाम तो मुझे याद है, वो चले गए तो क्या हुआ, उनका काम तो मेरे सामने है, वो चले गए तो क्या हुआ, उन्होंने जो उपकार किया है वो तो आज हमारे साथ मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति को जाने के पहले, चाहे वो मरे, मरण को प्राप्त हो अथवा निर्माण को, कुछ जीते जी देवता बनना है। जो दुनिया में रह करके देवता बन गया वो देवता तीर्थंकर होते हैं, महान होते हैं। हर व्यक्ति को पहले देवता बनना है, दुनिया में रहकर दुनिया का देवता, दुनिया का जगन्नाथ बनना है। पहले जगन्नाथ तो सभी हैं, भगवान जितने बन जाते हैं, लेकिन वो जगन्नाथ कहलाते हैं जो संसार में थे तब भी लोग उन्हें भगवान मानते थे, जब वे संसार में थे तब भी लोग उन्हें देवता मानते थे, जब वो संसार में थे हर व्यक्ति कहता था कि ये मनुष्य नहीं, मनुष्य के भेष में देवता है। इसलिए अभी अपने वर्तमान में प्रसंग चल रहे हैं कि संसार में हमें रहना जरूरी है, यदि हम कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं, पता नहीं मरने के बाद कोई मुझे देवता मानेगा या नहीं, मरने के बाद भी। अब ऐसे कौन से देवता हैं जिनके नाम लेते ही उन देवताओं के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, आज वो भगवान के नाम से पूछ रहे हैं सारी दुनिया में। आज रामचंद्र जी हजारों वर्ष पहले मोक्ष चले गए, आज उनकी पूजा हो रही है, लोग याद कर रहे हैं। आज तीर्थंकर महावीर स्वामी आदि सब मोक्ष चले गए, आज भी अपन उनका नाम ले रहे। आखिर उनका क्या किया उन्होंने ऐसा, कुछ नहीं बंधु, उनका जीवन चरित्र उठाओ, वो अपने लिए जिए ही नहीं। उन्होंने, उनकी कभी आंख खुली है तो अपने लिए नहीं खुली कि यहाँ कांटा पड़ा तो नहीं है, उनकी खुली है आंख तो इसलिए खुली है कोई जीव मेरे पैर से कुचल तो नहीं रहा। क्या बात महानुभाव, महान आत्माओं का सब कुछ जीने के पहले की बात कर रहा हूँ, भगवान बनने के बाद नहीं, भगवान बनने के पहले, मोक्ष जाने के पहले। भगवान बनने की बात की तो अपन कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है। भगवान बनने के बाद मेरा क्या स्वरूप होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, उस समय तो सब नियत की धारा में बह जाता व्यक्ति। सिद्ध बनने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं, जो है वह है, बस कुछ नहीं। भगवान बनते समय भी कुछ भी नहीं है, भगवान बन गया खत्म हो गया। भगवान बनने के पहले का मार्मिक चीज, भगवान बन जाना, भगवान बनने के बाद
सब कुछ नियत के अधीन है, हमारे अधीन कुछ नहीं। वो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। एक नियत प्रोटोकॉल निश्चित है, केवल ज्ञान के बाद सब कुछ नियत हो जाता है। केवल ज्ञान के बाद सब कुछ उनकी जिंदगी नियत हो जाती है, कुछ नहीं। वो तो उनको यहाँ जो कुछ भी कहा शास्त्रों में सब उपचार से कहा, लेश्याएं उपचार से, मन वचन का उपचार से, ध्यान उपचार से, सब कुछ उपचार लगा दिया। क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं, वो कोई पुरुषार्थ करने रहे, पुरुषार्थ हो रहा है। परिसर उपचार सब कुछ जितना भी सिद्ध अरहंत भगवान में लगाते हैं सब उपचार से लगाते हैं, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं, कुछ करने का उनका मन ही नहीं होता है ही नहीं। को जो है ना, वो तो एक नियत प्रोटोकॉल में निश्चित बंध गए, इतने समय पर तुम्हें ध्यान करना है, समुद्घात करना है, अपने आप हो जाएगा। कर्मों का घातिया, कर्मों का घातिया, कर्मों का क्षय, अपने आप एक व्यवस्था बनी हुई है, हो जाए। कुछ नहीं है, ना अकाल में मर सकते हैं, ना एक समय पहले जा सकते हैं। इसलिए भगवान बन के कुछ नहीं कर पाओगे तुम, भगवान बनने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बस तीन कालों में एक, भगवान का वर्तमान नियत है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। भगवान का भविष्य उनके हाथ में नहीं, एक नियत धारा के में बह करके अनंत काल तक वो रहेंगे। अब भगवान का एक काल रह गया अतीत काल, जिसे अपन लोग वर्तमान काल कह सकते हैं। वो काल नियत के अधीन नहीं है, अपने अधीन है। अपन को प्रयास करना, हर जितने तीर्थंकर जिनों के जिन जिनके मंदिर बने हैं, जो जो आज पूज रहे हैं, मैंने इनको जीवन संबंध में पढ़ा, प्रथमान युग में पढ़ा, अन्य दर्शनकारों में पढ़ा। भगवान तो बहुत हुए, लेकिन उन सबकी उतनी महिमा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों इनकी ऐसी ऐसी पक्षपात करते हैं भक्त लोग? किसी के मंदिर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, कुछ पूछो मत। और कुछ भगवानों के कोई फोकट में देवे तो नहीं लेवे, मंदिर बना के देवे तो कहते नहीं ये मंदिर में मेरे भगवान नहीं। भाई मैं मंदिर बना के दे रहा हूँ तुम्हें, मूर्ति बैठा के दे रहा हूँ, वो कहते नहीं ये भगवान मत बैठा लो, ये बैठा लो। क्यों? कारण क्या है? जब पूरा चरित्र चित्रण देखा महापुरुषों का, तो उनका जो अतीत है यानी वर्तमान जो था, वह वो अपने लिए जिए ही नहीं, अपने लिए नहीं। बताते हैं कि पूर्व भाव में जब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, इसलिए सुना रहा हूं कि अपन लोग महान आत्माओं को देख के मन ललचाते हैं कि मेरा जीवन ऐसा कब होगा। कोई भी बड़े आदमी को देखकर मन ललचाता, मैं अमीर कम होगा, अपने में जो गुण नहीं है, जो शक्तियां नहीं है, दूसरे में देखकर मन ललचता है, ऐसा ज्ञानी मैं कब होऊंगा, ऐसा शक्तिशाली मैं कब होऊंगा, ऐसी मेरी आवाणी में आवाज़ कब आएगी जो हर जो कुछ बोल दें सब सत्य निकले, मेरी आंखें कब ऐसी होंगी जिसको देख लें तो मरा भी जिंदा हो जाए। हाँ, भाव आता है, भाव आता है, बहुत बार आता है। जब आप लोग असमर्थ बीमारी व्यक्ति को लाते हैं तब इतना खेद होता है, भगवान इन आँखों में ऐसी ताकत दे दो इसको देखूँ और सूझ को ठीक हो जाए। इस समय मैं भावना यही आ रहा हूँ, भगवान ऐसी कोई ताकत दे दो कि मैं ऐसा हाथ उठाऊं और सारा कोरोना भाग जाए और सब व्यक्ति जिंदा हो जाए, कोई मरे ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाए। मन ललच रहा है, बहुत ललच रहा है, कुछ बताओ भगवान, कुछ करूं, मैं करने को तैयार हूं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। किम करता मूड हो जाता हूं जब आप लोगों की मौतें सुनता हूं, फलाना चला गया महाराज, फलाना चला गया। उस समय मन में ग्लानि भाव होती है, उस समय मन में एक उमंग जागती है और भाव आता है कोई ऐसी शक्ति दो कि अकाल मौतें रोक सकूं, अकाल मौतें रोक सकूं। लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो अपन लोग समर्थ तो चाहते हैं, लेकिन इस समर्थ पाने के लिए क्या करना पड़ता है उस पर विचार नहीं किया, दो नहीं किया। तीर्थंकरों में ऐसा समर्थ आ जाता है, 63 रिद्धियां प्राप्त होती है। क्यों?
जब उनको शमूषण मिला, भगवान मिले, सर्वदाता मिला, जो मांगो समोषण में सब इच्छाएं पूरी होती हैं। बताते समोषण को कल्पद्रुम कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कल्पद्रुम। कल्पद्रुम विधान होता है ना, वो इसीलिए होता है कल्पद्रुम। कल्प यानी इच्छा को पूर्ति करना, द्रुम यानी वृक्ष। समोषण का दूसरा नाम कल्पद्रुम, जो इच्छा करो सब पूरी होती है तुरंत, जैसे परिणाम होते हैं वैसा वो सब, ऐसा कल्पद्रुम। ऐसा समोषण ना जाने कितने लोगों को मिलता है, असंख्यात जीवों को मिलता है, असंख्यात जीव रहते। हर समोषण की संख्या असंख्यात ही है, मनुष्यों की अपेक्षा लाखों करोड़ सब बैठे। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ मांगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी तो है ही, संसार व्यक्ति की कमी तो है ही। कितनी इच्छाएं हैं जो हमारी, हम खुद पूरी नहीं कर पाते। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी इच्छाओं की शांति के लिए समोषण में जाकर कुछ ना कुछ नहीं मांगा। मांगता है, हो जाती इच्छा। लेकिन एक व्यक्ति समोषण में ऐसा बैठा था, असंख्यात जीवों ने अपनी अपनी समस्या मांगी। कोई ने मोक्ष भी मांगा, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे रत्नत्रय मिलना चाहिए, ये भी मांगा। मैं कितने जल्दी मुनि बन जाऊं, ये भी मांगा। मैं इस संसार को छोड़ दूं, ये भी मांगा। मुझे इस संसार में नहीं रहना, भगवान आपका मुझे इच्छा पूरी हो, मैं जल्दी सिद्ध परमेष्ठी बनूं। संसार की चीजें ही नहीं मांगी सभी लोगों ने, परमार्थ भी मांगा, मोक्ष मांगा, केवल ज्ञान मांगा, रत्नत्र मांगा, मुझे सब संसार में नहीं रहना, विषय कषायों को छोड़ना है, ये भावनाएं की शब की। इस सब में स्वार्थ नजर आ रहा है, हमें नहीं रहना इस संसार में, क्योंकि संसार धोखा है। इसका अर्थ है तुम दुख से छूटना चाहते हो, तुम केवल ज्ञान चाहते हो, तुम मुनि बनना चाहते हो, इन सब को किसी को कोई भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। मोक्ष जाने की भावना भरा है, मुनि बनने की भावना भरा है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति एक जीव को बंद हुआ, जिसने भगवान के समोषण में इच्छा की, ना तो मोक्ष जाने की इच्छा की, ना मुनि बनने की इच्छा की, ना केवल ज्ञान की इच्छा की, ना रिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा की, मात्र एक इच्छा की, सारे जगत का अंधकार दूर हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर आंगन हरा भरा रहे, किसी की आंख में आंसू ना हो, और हर तरफ जो आनंद मैं आज ले रहा हूँ, वही आनंद एक दिन सारे जगत को आ जाए। कौन सा आनंद? प्रभु आपके दर्शन का। आपके दर्शन करने के बाद मेरा ऐसा आनंद उछल रहा है, समुद्र की लहरों के समान उछल रहा है। बस मेरा एक ही तमन्ना है प्रभु, आपको ये सारी दुनिया समझ ले वे, मुझे नहीं, मुझे देखकर दुनिया आनंद में आवे ऐसा नहीं, आपको देख करके सारी दुनिया में ऐसे ही आनंद का सागर उमड़े, सब लोग आपके दर्शन करें और सत्य को समझें, अंधकार दूर हो, आपकी प्रभावना हो, हमारी प्रभावना नहीं। लोग मुझे जाने ये भाव नहीं आया, हर व्यक्ति आपको जाने। कैसे बनते हैं देवता, कैसे बनते हैं अभी भगवान, जिनके आज नाम बड़े गर्व से लिए थे। क्या भाव आया, भगवान मेरे लिए दुनिया जाने आपके नाम से? नहीं, आपको सारी दुनिया जाने, बस मुझे एक ही शक्ति चाहिए, मैं सारी दुनिया को आपकी पहचान बना बता दूं, आपको बता दूं कि आप क्या हैं, और संसार का हर व्यक्ति आपको जानने लग जाए, और हर व्यक्ति के मुख पे आपका नाम हो, मेरा नाम नहीं आपका नाम, मेरी प्रभावना नहीं आपकी प्रभावना हो, मेरे धर्म की महिमा नहीं तेरे धर्म की महिमा हो, मैं सुखी रहूं तेरी कृपा से नहीं संसार सुखी रहे, मेरी आंख में भगवान कभी आंसू नहीं आवे
नहीं, संसार में किसी आंख में भाव ही नहीं आया कि मैं ये कह दूं भगवान आपकी कृपा से मैंने आपको पाया है, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। नहीं किया भगवान, बस मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता। महान आत्माएं स्वयं की आंखों की चिंता नहीं करती, उनके मन में भाव आता है जब भी मैं आंख खोलूं किसी की आंख में आंसू ना हो, हर चेहरा पर मुस्कान हो, तेज हो। इतने सारे भाव जब उसने एक अंतर्मुहूर्त में किए, उसी समय से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। यानी जब भी जिएंगे, भगवान मिले तो मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जगत को मांग लिया। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह ना आवे लाज। कैसे परिणाम है? परिणाम आते नहीं। बातों में कहना सरल है, प्रवचन करना सरल है, अंदर की प्रणति आ जाए, दाता सामने खड़ा हो और अपने लिए न मांग के जगत के लिए मांग ले। दाता सामने खड़ा है, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जगत के लिए मांग रहा। बहुत कम जीवों में ऐसे परिणाम आते। और ऐसा भाव लगे, ऐसा भाव आवे, भगवान मेरे मन में कभी विचार आवे ही नहीं, मैं कोई विचार नहीं करना चाहता, विचार आवे तो जगत कल्याण का विचार आवे, जगत कल्याण का विचार आवे। पहली बात तो विचार आवे ही नहीं, मैं रिलैक्स चाहता हूँ, शांति, थक गया हूँ सोचते सोचते, लेकिन विचार तो आएगा, मन है तो इन मनों के विचार के लिए इसमें भगवान जगत कल्याण का विचार आवे, हर व्यक्ति के दुख दूर करने का विचार आवे, विपाक बिछाए अपाय बिछाए धर्म ध्यान का चिंतन होवे, ऐसा प्रणाम। आंख खुले, जैसे कल मैंने कहा था, आंख क्यों खोलते हो तुम? दीक्षा के बाद तुमने आंख बंद की है, सप्तम स्थान में पहुंच जाता है, नासा दृष्टि कर ली उसने, सीधा छलांग सप्तम में गया। कल गुरु ने क्या कहा था? तू दीक्षा के पहले क्या क्या प्लानिंग कर रहा है? दीक्षा के बाद मैं ये करूँगा, दीक्षा के बाद मैं ऐसी साधना करूँगा, ऐसी तपस्या करूँगा। दीक्षा लेने के पहले अपने कमरे की सब किताबें रख जा, उड़ नहीं जाए, क्योंकि 2-3 घंटा लगेंगे ना दीक्षा में। अब 2-3 घंटा लग जाएंगे तो कहीं ऐसा ना होगा खिड़की में से पानी की बौछार आ जाए, ये हो जाए, कोई उड़ नहीं जाए, कागज नहीं, ये पेन वैन सब दीक्षा के बाद काम आएगा। और मैं यही कमरे में आके दीक्षा के बाद बैठूंगा, ये काम मैं दीक्षा के बाद करूंगा। यदि ये विकल्प मन में आ गया थोड़ा, दीक्षा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती दीक्षा। यदि दीक्षारी के मन में ये भाव आ गया कि ये काम मैं अभी 2 घंटे दीक्षा के बाद करूंगा, जैसे तुम लोग कहते ना अभी मंदिर जा रहा हूं, मंदिर से आकर के फिर तुमसे बात करूंगा, ऐसे भक्तों से कहना मैं दीक्षा ले लूं फिर बाद में आपसे बात करता हूं, दीक्षा ले लूं फिर आपसे बाद में निपटूंगा, बाद में चर्चा करेंगे। अरे दीक्षा लेने के बाद तो फिर अपन लोग खूब चर्चा करेंगे। गुरु से भी कह दिया, महाराज जी अभी तो आप दीक्षा दो फिर बाद में निकले। साधर्मियों से मुनिराजों से कहा ये चर्चा अपन कल करेंगे दीक्षा के बाद, दीक्षा के बाद कल चर्चा करूंगा। आपने साधर्मियों से बोला गुणस्थान नहीं बनेगा, दीक्षा हो ही नहीं सकती, भावलिंगत तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने दीक्षा के बाद का कुछ संकल्प कर रखा है, दीक्षा के बाद का कुछ तुमने विकल्प कर रखा है, दीक्षा के बाद तुमने किसी को कुछ वचन दे रखा है, गुणस्थान कैसे हो? कितनी बड़ी बात, बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव। आपने अपने साधर्मी मुनिराज से कहा कि देखो हम ये चर्चा अपन दीक्षा के बाद करूंगा, पढ़ाई, अरे नहीं अब शेष पढ़ाई में दीक्षा के बाद करूंगा, गुरु से कह दिया, मान लो द्रव संग्रह छह डाला, महाराज जी अब आधा अभी पढ़ाओ, आज अब मैं दीक्षा के बाद कर लूंगा, गुणस्थान नहीं बने। किंचित मात्र भी अकिंचन धर्म का अर्थ क्या होता है? किंचित मात्र भी दीक्षा के बाद करने का भाव तुम्हारे मन में है,
प्लानिंग बन रहे हो कि दीक्षा के बाद मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसी साधना करूँगा, मैं यहाँ विहार करूँगा, यहाँ आहार करने जाऊँगा, उसके यहाँ जाऊँगा, पहला आहार कहाँ होना क्या कर दिया मैंने दीक्षा के पहले आहार के बाद वो सिख चिल्ली कल्पनाएँ होती ना, खूब कल्पनाएँ करते हैं, नहीं नहीं एकदम नहीं, जुड़े होके जाओ, अब मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा, इस कमरे में भी नहीं, इन किताबों में भी नहीं, ये पार्टी पे भी नहीं, कुछ नहीं, मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा। पढ़ाई अंतिम पढ़ाई कर दो, बंद कर दो, बस जो आज पढ़ लिया पढ़ लिया, अब पता नहीं ये पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मान के चलो नहीं मिलेगा। अंतिम मंगलाचरण करके रहो, अंतिम जनवाणी स्तुति करो, दीक्षा के पहले तुम्हारा आधा ग्रंथ चल रहा है, बस क्षमा मांग लो, बस यही जिंदगी का अंतिम ग्रंथ है। गुरु महाराज का अंतिम वाक्य सुनो, बस आज के बाद मुझे कोई वाक्य सुनने में नहीं आएगा, कोई वाक्य सुनने में नहीं आएगा, मैं कुछ देखूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं होना ही नहीं है दीक्षा के बाद, क्योंकि दीक्षा के बाद तो मैं चला जाना है ऊपर। इसका नाम दीक्षा है। बहुत सारे लोग दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा का आनंद नहीं आता, वो तत्व दृष्टि नहीं छुपाता। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रे विक उपजायो पैन जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। वो निज आत्मा की तत्व दीक्षा के समय इतनी निर्विकल्पता, कुछ नहीं एकदम, मुझे लौट के आना ही नहीं, लौट के आना ही नहीं, मुझे आँख खोलना ही नहीं है, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ लिखना नहीं है, मुझे चलना नहीं है, मुझे आहार करना नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि मैं तो उस यात्रा के लिए जा रहा हूँ, वर्धमान चारित्र कदम पीछे क्यों हटेगा। सप्तम से सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद छठी में आना क्या कहलाता है, सातवीं से आठवीं में जाऊंगा ना, नौवीं में जाऊंगा ना, ज्ञान में आ जाना चाहिए, बस कुछ नहीं। तुम्हारे लिए बता दी दीक्षा के फूल का भाव, मंदिर आने के, ये तुम मंदिर आने में लगा देना, बस जा रहा हूं मंदिर एक दिन करना। जैसे मुनि महाराज को मैंने कहा ना, बहुत बारीक बात कही है, एक क्षण का भी विकल्प है वो नंगा तो हो जाएगा, कपड़े उतार देगा, पीछे का मंडल ले लेगा, दुनिया की दृष्टि में मुनि बन जाएगा, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के जैन दर्शन के अनुसार वो मुनि नहीं कहलाएगा, क्योंकि थोड़ा भी है पेंसिल, मैं कह रहा हूँ पेंसिल, यहाँ तक कि पीछे का मंडल, ये मुझे पीछे मिलना चाहिए, ये कमंडल मेरा, दीक्षा के पहले यदि उसने कुछ बांध दिया निशाना, ये पिछी मेरे लिए, कल बताया था ना आचार्य का, ये सब लोग दीक्षा तो ले लेंगे लेकिन की दीक्षा होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने दीक्षा के पहले ही निशान लगा दिया है, ये पिछी मेरी है और ये कमंडल मेरा स्वयं ने तैयार किया है, ये कमंडल ही में अटके रहेंगे, और उस समय मर गए तो कमंडल ही में कीड़ा होंगे, पीछे में अटके रहेंगे, ये क्या किया तुमने, कमंडल यही मिलना चाहिए मुझे। तुम कमंडल लेने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, इसकी जरूरत भी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। बोले मना जरूरत तो पड़ेगी, कल तो सौ तो जाऊंगा ही ना मैं। मैंने कल कहा था ना, दीक्षार्थी स्वयं कह रहा है कि मैं एडमिशन लूंगा लेकिन फेल जरूर होऊंगा, कितना ज्ञान है, मैं फेल होऊंगा, फेल होऊंगा तो कमंडल चाहिए पड़ेगी, फेल होऊंगा तो पिछी चाहिए पड़ेगी, नहीं मानूंगा, पास होने की उम्मीद रखो, मैं पास होऊंगा पक्का है, लौट के आना ही नहीं, खाएगा पिछी कमंडल, किसके लिए निशान लगा रहा हूं। तब कहीं जाकर के मुनि का भाव लिंग बनता है, तब जाकर वो अपरमत्व गुण स्थान बनता है। आप लोगों से मैं बार बार कई बार कहा, मंदिर आए हो आते हो ऐसे ही आया करो,
मंदिर से लौटना सवारी नहीं उठता। मंदिर जा रहा हूं कब लौटोगे? बोले पागल हो गए क्या? मंदिर से लौटने के लिए आया जाता क्या? क्या पता मंदिर गया मुनराज मिल गए, मुनराज का प्रोशन हो गया और दीक्षा लेने का भाव आ गया तो इट में भी पॉसिबल संभावना है। पहले होता था ऐसा, पहले होता था। मंदिर जाते थे जंगलों में शिकार के लिए गए, शिकार के लिए गए, महाराज मिल गए, उपदेश सुना, दीक्षा ले ली। भूदेव भवदेव का आता है, दोनों परम दुनिया जानती थी, ये कभी दीक्षा नहीं ले सकते। इतने रागी थे, इतने रागी थे, हाँ दोनों के लिए बहुत इंद्रिय लंपटी थे, इंद्रियों पर विषय विषय नहीं था। भूदेव के उनके लिए रक्षाबंधन को भी पत्नी के इतना राग था कि वो रक्षाबंधन पर भी पत्नी के साथ ही गए। पत्नी बहुत कहा थोड़ा शर्म करो, उनको कोई शर्म नहीं थी। लौट के आ रहे थे पत्नी को लेकर के, साले साहब साथ थे। महाराज जैसे रास्ते में बैठे हुए थे कहीं, उनको देख करके उनके मन में भाव आया, चलो महाराज नमोस्तु तो कर ही ले। नमोस्तु करने गए, महाराज का उपदेश चालू हो गया। महाराज बोलते गए और वो एक तक होकर सुनते गए। ऐसा परिणाम बना, ऐसा परिणाम बना, पर्याय बदलने में देर नहीं लगती। ऐसा परिणाम बना, वो देखते गए। साले ने जीजा से मजाक किया, आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि आपको बिल्कुल अभी दीक्षा ही लेना हो। उन्होंने कुछ सुना नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, बस सुनते रहे। महाराज सुनाते गए, गर्जो बरसो नाद, चिर प्रतीक्षित हूं खड़ा, ऊपर करके मात, हे भगवान हे भगवान, गर्जो बरजो नाथ। ऐसे कुछ आई पंक्ति, सिर्फ ऐसे जैसे उन्होंने कभी सुना ही नहीं। सुनते गए सुनते गए। जब महाराज ने उपदेश देते देते संसार की असारता और वस्तु स्वरूप का कथन किया, हाथ ऊपर चले गए, केश वंश चालू हो गया। बोले क्या कर रहे हो जीजा जी, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये मुनि दीक्षा। तुम क्या मुनि दीक्षा लोगे? तुम तो इतने रागी हो, इंद्रिय लंपटी हो, क्या दीक्षा लोगे? बहन से कहा, बहन कहा ये क्या दीक्षा लेंगे, इनकी क्या औकात है, ये तो नाटक कर रहे होंगे तुम्हें चढ़ाने के लिए। केश लंच होता गया, केश लंच होता गया, केश लंच करते गए, केश लंच हो गया। गुरु महाराज दीक्षाम देही, दीक्षा चालू हो गई। और ऐसी दीक्षा ली, पत्नी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, साले से बोले नहीं, अनुमति भी नहीं ली, सूचना भी नहीं दी, भाव भी नहीं किया, घर जा गया। दीक्षा हो गई, ध्यान में बैठे मोक्ष प्राप्त कर लिया। साला देख के रह गया, उसने कहा जीजा जी जब इतने हो सकते हैं। उसने भी दीक्षा ले ली। जब उन्होंने कहा दोनों ही जा रहे हैं तो पत्नी ने भी दीक्षा ले ली, तीनों दीक्षा। और घर में इंतजार हो रहा है, दवा नहीं, हाँ मतलब बहू आ रही है। उधर से हो गया, पहुंच गए साहब, पता चला कहा पहुंचे ही नहीं। पीआर से समाचार आ रहा है, पहुंच गए साहब, इतने बजे निकले थे और वहां से इंतजार है स्वागत का, कुछ नहीं, ढूंढने आए। तीनों मुनि बनकर के पिछली कमंडल लेकर के बैठे थे, तीनों की खोज चालू हुई। उधर पीहर वाले खोज रहे, अभी तक नहीं पहुंचे। इधर ससुराल वाले पूछा, अभी तक नहीं आया। और जाके तीनों को खोजते खोजते पहुंचा तो तीनों मुनि दीक्षा ले गए। क्या है आनंद! इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म क्रिया करते समय कोई संकल्प मत किया करो, लौटने की बात मत सोचा करो, मत सोचा करो। क्या पता, क्या पता जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार को तर सकता है। एक उज्ज्वल आचार्य महाराज ने एक संस्मरण सुनाया था कि एक
व्यक्ति ने दीक्षा लेने की बात कही, दीक्षा लेने की बात, तो कहते महाराज जी मेरे दीक्षा लेने के भाव तो हैं, तो फिर बोलो तैयार। बोले महाराज जी एक बार अभी घर से पूछ के नहीं आया, पूछ के आ जाऊं, सबको बताया हूं कि महाराज जी हम आपके दर्शन करने आए थे और घर में किसी को बता के नहीं आया, ना हमने अपना हिसाब किताब किसी को दिया, ना किसी को सौंपा, ना कुछ किया, बैंक बैलेंस सब हमारे नाम है, दुकान जायदाद हमारे नाम है, खेती किसानी हमारे नाम है, तो महाराज वो सब निपटाए आए फिर आते, सबको सूचना भी दिया और सब फिर कह करके फिर आएंगे। गुरु समझ गए कि इसको अभी वैराग्य नहीं है। मौत पूछती है कि तुम्हारा हिसाब किताब हो गया, कभी मौत से कहना हो कोरोना वालों, हाँ कि एक मिनट का एक बात बोल दूं थोड़ा सा, उससे पैसा लेना है बेटे से कह दो, पत्नी से कह दो, अरे वो थोड़ा सा हिसाब उससे लेना है, बस एक मिनट का समय दे दो, इतना बता दो मैं पोल्ट्री मार के ये करूं, मौत समय देती है क्या? मौत समय देती है क्या? क्या मौत से कभी समय मांगा है क्या? जब मौत समय नहीं देती है, वैराग्य भी समय नहीं देता है, वैराग्य भी समय नहीं लेता है। मौत कहती है नहीं, तुमने क्या, तुम्हारी घर की परिस्थितियां हैं, तुम कितना काम छोड़ के आए हो, क्यों आए ऐसे? इसलिए कल मैंने कहा था हर कोरोना वाला घर में जावे तो ये मान के जावे कि अब मुझे लौट कर नहीं आना। महाराज जी ऐसा आप अशुभ बोल देते हो, बहुत गड़बड़ है, कैसे कहूँ ये? कह दो तुम्हारे करने से कुछ नहीं होना, लौट के आना है तो आओगे, और ये कह के गए कि अब मुझे लौट के नहीं आना है और चले गए तो बेटा सलेखना समाधि मरण हो जाएगा, मरना तो है ही, मरोगे तो सही, यदि उसको मौत को ले जाना है तो ले जाएगी, पर तुम इतना कह दो बस घर वालों से अस्पताल जा रहा हूं, सबसे क्षमा, सबसे मेरा मैत्री भाव, मैं जा रहा हूं बस, अब लौट के नहीं आऊंगा, ये कह के जाओ अस्पताल में जाते समय। और यदि कह दूं आपसे, यदि आप किसी भी समय आपकी दुर्गति नहीं होगी, हर क्रिया में गाड़ी में बैठते ही सबसे क्षमा मांग लो, भाई बस गाड़ी में बैठ रहा हूं कोई भरोसा नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं, कितनी देर बाद, कितनी मिनट की गारंटी है, गाड़ी स्टार्ट करते ही इधर स्टार्ट, गाड़ी में बैठ रहे थे इधर दूसरी गाड़ी आई टक्कर मार दी, एक पैर गाड़ी के अंदर था एक अभी बाहर था। अजमेर में एक दुर्घटना घटी थी, मैं अजमेर में ही था, एक व्यक्ति पूरी यात्रा करके आ गया, जैसे ही घर के सामने उठा बड़ा निश्चिंत था, सब लोग चला आ गए पापा, आ गए पापा, आ गए सब लोग कहते ना, और वो गाड़ी से बाहर पैर रखा है, उधर से एक गाड़ी आई टक्कर दिया, घर के सामने मौत हो गई। 500-600 किलोमीटर की यात्रा में कांटा भी नहीं लगा, बाल बांका भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे, घर सामने सब लोग ने देख लिया, सब कह रहे पापा आ गया, परिवार आ गया, यात्रा पूरी हो गई। बंधु कोई समय निश्चित नहीं, गाड़ी में बैठो तो नोवार नमोकार मन पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ा, फायदा नहीं है तो नुकसान तो है ही नहीं, नोवार नमोकार मन पढ़ो, भगवान जो भी छोड़ रहा हूँ उस सब तक जब तक लौट के नहीं आऊँगा ये सब त्याग है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, सोते समय कहो जब तक सो रहा हूं सब त्याग है, किसी भी कार्य करने जाओ, यात्रा पे जाओ सब विकल्प छोड़ के जाओ, और मंदिर आओ तो बिल्कुल ये मान के जाना लौट के नहीं आओ, माला फेरो किसी को वचन दे के मत फेरना, रुको रुको मैं एक माला फेर लूं, वो महाराज से नियम लिया था, एक माला फेर लूं फिर बात करता हूं, गलत खत्म हो गया, वो माला ही नहीं है, वो माला ही नहीं है, मैं मंदिर होके अभी आता हूँ, बट थोड़ी देर बाद पूजा, एक पूजा करना है, वो महाराज जी ने क्या है महाराज माने नहीं नियम दे दिया, भाई एक पूजा करके आता हूँ, कभी मत बोलना मान, माला फेरते समय कभी ब्राह्म नहीं, माला फेर रहा हूँ, कब तक फेरोगे? बोले कोई कहने की बात है क्या?
मन लग जाए फिरती रहे तो, और माला फिरती फिरती मरण हो जाए तो, बोलो महानुभाव, माला फेरते फेरते यदि मरण हो जाता है तो किसको ऐतराज है, सब अच्छा मानेंगे, लेकिन माला फेरते मरण हो जाए तो तुम्हारी दुर्गति होगी, क्योंकि तुम माला के बाद किसी को वचन दे के आए थे। हाँ, मंदिर आए थे तुम, मंदिर में यदि मरण हो जाए तो अच्छा है कि बुरा है, मैं तो अच्छा मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा मंदिर में मरण होकर के भी अच्छी गति नहीं मिली, क्यों, तुम डोलची सब्जी मंडी में टमाटर वाले के रखे आए हो, सब्जी मंडी में रखे आए हो, अब खुदा ना खास्ता मरण हो गया तो बेटा मर के भूत बनोगे सब्जी मंडी के, और या सब्जी के कीड़ा बनोगे। हाँ, ऐसे शास्त्रों में आता, वो मरते समय पानी हुआ तो पानी का मेढक बना, मरते समय खरबूजे का ध्यान आया खरबूजा बन गया, और तुम्हें मर के ध्यान मरने लगे, अरे वो सब्जी मंडी के दुकान पर रखे आया था, उसका गए काम से। हाँ, तरबूजे का कीड़ा बन गया मरते समय भाव। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, जितनी देर के लिए मंदिर आते हो चिंता मत करो, मैं भेजूंगा अभी घर, मैं भी पीछे कमंडल लूंगा, दीक्षार्थी को दिलाऊंगा, विकल्प सब कर, पर पहले तुम्हें पहली बार तुम्हारे लिए दिलेरी दिखाना है, कुछ नहीं मैं लौट के नहीं आऊंगा, हिम्मत करो। 100,000 को परीक्षा देते हैं, सब मानते हैं मैं पास होऊंगा, हिम्मत करो, फेल की गुंजाइश क्यों करते हो, मैं मंदिर से लौट के आऊंगा, भगवान के पास से लौट के आऊंगा, डूबोगे, भगवान के पास से लौट के आऊंगा, तेरी औकात तो देख, काय का मंदिर है, कोई पूछे तो पागल हो गया क्या, भगवान के पास से लौटा जाता है क्या, भगवान के पास जा रहा हो, तुम पहले ही कह गया बस अभी लौट के आया, बस डूबोगे। यही तो कहा था हनुमान जी ने, जब रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान ये बता तेरा पत्थर तैरता है और मेरा क्यों डूबता है, पूरी कहानी तो बहुत बार सुनी, अब इतने ही सा जो हनुमान ने कहा, बोले प्रभु सीधी सी नीति है, जो आपके हाथ में आने के बाद आपको छोड़ रहा है वो डूबेगा नहीं तो क्या खाक तैरेगा, और गजब तो ये हो रही है आप छोड़ रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आपको पाकर के आप छोड़ रहे हो, जैसे भगवान छोड़ देवे और जो भगवान को छोड़ देवे वो तैर नहीं सकता वो डूबेगा, और तेरा पत्थर क्यों डर रहा है, बोले मेरे पत्थर के हृदय पर भगवान का नाम लिखा है, मेरा पत्थर नहीं तैर रहा भगवान तैर रहे, मेरा पत्थर पे तो भगवान का नाम लिखा है, आपका पत्थर तो आपके हाथ में जाकर के डूब रहा है, इसलिए तुम लोग डूब रहे हो, भगवान को पाके डूब रहे हो, भगवान के दर्शन पाके डूब रहे हो, क्या बात है, भगवान के दर्शन पाके डूब रहे, मंदिर में मर रहे हो और फिर भी दुर्गति हो रही है, क्योंकि तुम डोलची सब्जी वाले के रख के आए हो, तुम किसी से कह के आए हो मंदिर से लौट के आता हूं, मंदिर से लौट के आता हूं, पूजा करके आता हूं, मत कहना मन, मत कहना बस जा रहा हूं, मन में भाव भगवान के पास से क्या लौटना, लौटने के थोड़ी जाया जाता, लौटने के थोड़ी जाया जाता, माला बंद करने के लिए थोड़ी फिर जाता, माला फिर रहा हूं बस फिर रहा हूं, कब तक फिरेगी, कितना टाइम, कुछ नहीं, क्या पता उसी माला में प्रवचन सुनने जा रहे हो कितनी देर में, हाँ महाराज जी का प्रवचन है 1.5 घंटे तो ले ही लेते हैं और 2-5 मिनट वो और मान लो, ऐसा आजकल तो नहीं लेते महाराज जी, पहले तो 1.5 घंटे के 2.5 भी कर दें तो बड़ा भरोसा नहीं, लाइव फिक्स हो गया आज तो, आजकल क्या तो लाइव में फिक्स कर दिया हाँ 1.5 घंटे में आ जाऊंगा मत आना, क्या पता, आह महानुभाव कल्पना करो रे, कल्पना करो, क्या पता आज महाराज का प्रवचन कैसा हो जाए और मैं लौट के ही नहीं आऊं, वैराग्य हो जाए और दीक्षा लेने का मन हो जाए, क्या पता, क्या पता, क्योंकि ऐसा मैंने कहानी सुना दी हुआ है, क्या पता रास्ते में वैराग्य हो जाए, मिल जाए निमित्त,
जीवन के किसी भी क्षण में वैराग को बता। क्या प्रवचन सुनते सुनते वैराग नहीं होगा? महाराज नहीं होगा, आप चिंता मत करो। है ना, फिर काय को सुन रहा, तुम्हें खुद मालूम है कि मुझे महाराज की वाणी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई कहे भैया तुम कहाँ प्रवचन सुन रहे, लौट के आओगे कि नहीं आओगे? अरे कैसी बात करते, भागा लगे, लौट के डेढ़ घंटे बाद लौट के आ जाऊँगा। सामने वाले ने कहा कि कहीं महाराज का ऐसा प्रवचन होता है कि अच्छे अच्छे लोग फिर संसार छोड़ देते हैं। देख लो छोकरा दर्शन करने जा रहा है आचार्य श्री का। हाँ, वहाँ ऐसा होता है कि जो जाता है फिर वो लौटता नहीं है। तो तुम क्या मेरे ऊपर महाराज का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं मजबूत हूँ, कोई चिंता की करने जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम पहले से निर्णय करके आए हो कि महाराज की बातों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कितना भी वैराग का उपदेश देते मुझे वैराग होने वाला नहीं है। काय का प्रश्न है, क्यों सुनो? तुमने पहले ही कह दिया फेल होना है। वो कहता देखो इस क्लास में मैं फेल होऊंगा पक्का है, मास्टर जी मुझे पढ़ाओ। क्यों? बोले फेल होने के लिए, पक्का है मैं पास नहीं होऊंगा, मास्टर जी आप पढ़ाओ। अरे भाई मास्टर पढ़ाता है पास होने के लिए फेल होने के लिए? तू तो पहले ही कहता मुझे तो फेल होना। महाराज जी मास्टर जी आप तो पढ़ाते जाओ, हमारे पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम पहले से मान चुके मुझे तो फेल होना है। ऐसे ही तुम महाराज प्रवचन सुनाओ, प्रवचन सुनाओ, लेकिन चिंता मत करना महाराज मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले ही संकल्प करके आए हैं कि वापस आऊंगा। एक बार कभी सुनना, एक दिन करना आनंद को, हमने वो आनंद लिया है, बहुत बार लिया, बहुत बार सामायिक की है, अनियत सामायिक। एक नियत होती है और एक अनियत। नियत सामायिक की अपेक्षा अनियत सामायिक बड़ी थोड़े समय हुई, लेकिन उसका आनंद अलग आता है। बड़े बड़े नियत विहार किए हैं, लेकिन अनियत विहार का आनंद अलग है। आज कहाँ रुकोगे? कहीं नहीं। कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आता। चलते समय हमारे आचार्य से ये कहते हैं अनियत विहार का आनंद तो देखो क्या है, नियत विहार का आनंद नहीं है। हमारे आचार्य से अनियत विहार का बहुत आनंद लेते, उनको खुद पता नहीं है। ऐसा मत समझना कि वो नाटक करते अपन को परेशान करने के लिए, उनको खुद पता नहीं है। चल देते, चलो चौराहे पे देखते हैं, कहाँ रुकोगे? बोले चलो चल तो चलो चलो चलते। एक बार ग्वालियर से मुरैना का विहार हुआ, 41 किलोमीटर है। आचार्य ने कहा कि चलो अपन चलते हैं। महाराज जी आप रात कहाँ रुकोगे? बोले चलो चलते हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, 41 किलोमीटर शाम में मुरैना पहुंच गए, और जो 3 दिन का रास्ता था 15-16 ऐसा किलोमीटर में जाते थे। आचार्य के चलते चलो अनियत विहार। उस दिन जो आचार्य का देखो क्या मजा आ गया अनियत विहार का, अनियत विहार का आनंद अलग है, बहुत आनंद। पूज्य आचार्य महाराज के की आज्ञा से विहार करके मुक्तागिरी, शायद सन में इधर उधर हो सकता है, 1990 की घटना है, मुक्तागिरी चतुर्मास। चतुर्मास के बाद आचार्य सिंह ने और हमारे साथ एक एलक जी थे निसंग सागर जी महाराज बिहार के, हम लोग वर्धा की तरफ बिहार कर रहे थे, नागपुर जाना था, और चल रहे थे जो शास्त्र वगैरह थे सब वर्धा समाज को समाचार पहुंच गए। बीच में कोई रास्ता था ही नहीं, सीधा वर्धा पहुंचना था। वर्धा वही विनोबा भावे वाला, हमें भी उत्साह था कि चलो विनोबा भावे का आश्रम भी देखेंगे, वर्धा एक आध दिन रुक करके देखेंगे। बहुत भावना लेके चले, हम लोगों ने चर्चा भी कर ली सब डिस्कस, कोई संकल्प नहीं किया, चर्चा कि वर्धा चलेंगे तो वहाँ पर आश्रम देखेंगे, विनोबा भावे जी का आश्रम है, उनके प्रति हम लोगों का वैसे ही अच्छा भाव रहता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। शतवर नहीं, आचार्य जी उनकी बातों को संस्मरण जरूर सुनाते थे, उनसे बड़े प्रभावित भी थे, क्योंकि उन्होंने एक बात कही, महावीर से बढ़कर और गीता को छोड़कर मेरे जीवन में किसी का प्रभाव नहीं। वे महावीर से प्रभावित हुए थे सल्लेखना से,
कि जो मरने की कला जैन दर्शन में है वो दुनिया में असाधारण है। महावीर ने जो मरने की कला दिखाई कि मरने को, मृत्यु को महोत्सव का रूप दे दो, और वो उन्होंने महावीर की थी। ठीक भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हो रहा है और उसी दिन संलेखना पूर्वक मरण करके वो प्रयाण कर गए। हम लोग उस समय नैनागिर में थे, चतुर्मास का निष्ठापन चल रहा था। उस समय वीडियो तो ये तो थे नहीं, रेडियो था वो ट्रांजिस्टर, उसमें समाचार आया विनोबा भावे ने सूर्य की किरण निकलते ही शरीर छोड़ दिया। आचार्य ने कहा देखो ये कहलाती भावना। वो सदा कहते थे महावीर निर्माण महोत्सव, चतुर्मास का निष्ठापन चल रहा था, निर्माण लाडू चल रहा था नैनागिर में। तुरंत आचार्य जी ने कहा देखो जाकी रही भावना जैसी सो देखी। ये महावीर जैसा मरण करना चाहते थे और आज महावीर स्वामी के दिन ही इन्होंने प्रयाण किया। पूर्व में अनियत बिहार की बात कर रहा था, आनंद चल रहे वर्धा पहुंचने वाले थे। शाम को हार हुए एक नदी किनारे और विहार करते समय एक रास्ता मिला शौच के लिए, तो हमने कहा चलो लघु संघा जाते हैं। लघु संघा गए, लघु संघा के जाने का थोड़ा सा लोग थोड़े थोड़ा और आगे चले गए। आगे जाते ही लघु संघा किया, लघु संघा करने के बाद कायेश्वर कर रहा था, वहाँ एक बोर्ड लगा था छिंदवाड़ा का रास्ता यहाँ से। अब देखना अनियत बिहार का आनंद देखना, मन में भाव आ रहा है कि इधर चलो, क्या नियत बंद के चलते हो, क्या प्लानिंग से चलते हो। मैंने संसार बुला रहा हूँ, तुमने संसार के हमें लघु संघा नहीं जाना है, वो ये समझना महाराज कह रहे स्थान अच्छा है, सोच लघु तो कह रहा हमें नहीं जाना। तो हम कहीं आओ तो सही, वो कह रहे मुझे जाना ही नहीं है, और बस मुड़ गए। जाना था नागपुर, आ गया छिंदवाड़ा। रास्ते में ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, हे प्रभु आप भी ऐसे अनियत विहार करते थे, चलते चलते चौराहे बदल जाए, चलते चलते रास्ते बदल जाए। हमारे आचार्य जी बहुत रास्ते बदलते। एक बार खजुराहो के अंदर सन 1981 में आचार्य जी ने शिखर जी का जम के रास्ता पूछा, नक्शा बना के पूछा, ये पूछा, और शिकायत चर्चा देखो तुम लोग ऐसा करना, इस प्रकार के करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ज़्यादा किताबें मिताबें मत रखना, रास्ते में कोई पढ़ाई मढ़ाई नहीं होना है। यानी ऐसी प्लानिंग थी जैसे बिल्कुल जाने हूँ। हम लोगों ने सब ने बस्ते खाली कर दी, मात्र एक धर्म ध्यान, और एक धर्म ध्यान भी तीन महाराज में एक धर्म ध्यान बीच में रखेंगे तुम भी देख। प्लानिंग बनाई बड़ी, एक हफ्ते चली पूरी प्लानिंग। पंचकर्णक था खजुराहो का, पहला पंचकर्णक था सन 81 में। सब ने बिल्कुल पूरे सब, और हम लोग आचार्य हम लोगों ने सब बिल्कुल कोई साथ पढ़ने का नहीं, तीन व्यक्तियों में एक धर्म ध्यान दीपक है और सबका एक बस्ता है, बस सब एक ही बस्ता था सबका, क्योंकि उस समय 12-13 साधु थे मुझको, 4-5 धर्म। आचार्य से बड़े अच्छा अच्छा ये कर लिया तुमने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया बहुत किया। मैं यही चाह रहा था कि तुम लोग पढ़ने के इतने चेटू हो कि हम लोगों को किताब का कीड़ा कहते ही थे आचार्य, जब भी देखो तो पढ़ते ही रहते थे। आचार्य से कहते तक क्या पढ़ते हो, अब पढ़ने की आदत थी, पढ़ते ही पढ़ते रहते थे, कोई ना कोई किताब हाथ में जरूर रहती थी। बिहार में रहते थे तो बिहार में जैसे कहीं बैठ जाएंगे तुरंत पढ़ना शुरू कर देते थे, चाहे भली वो साहित्य की किताब पढ़े, धर्म की नहीं पढ़े। साहित्य होते ना मुंशी प्रेमचंद जी, जिनेंद्र जी आदि, इनका साहित्य हम लोगों ने प्राय बिहार में ही पढ़ा है, पूरा साहित्य बिहार में पढ़ा। क्षमा साहित्य थे हम लोग, तो बस अदला बदली करके किताब पढ़ते रहते थे, जिनवाणी नहीं पढ़ते थे, बस जैसे ही थोड़ा बैठ कहीं बैठने का हुआ बस वो पढ़ लेते थे। तो आचार्य जी कहते बहुत अच्छा रहा, तुम लोग बिना किताब के भी रह जाओगे ये मुझे खुशी है। और रास्ते में कोई लाइब्रेरी जैन के घर है ही नहीं, तो हम लोग नहीं नहीं हम लोग रह जाएंगे, क्योंकि शिखर जी के मन का इतना उत्साह था। हम लोग सब थक चुके थे, पूरे थक चुके थे, कहीं से कुछ भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि
मुक्तागिरी से खजरा हो गए थे डायरेक्ट, पैरों की हालत, खून बहता था पैरों से। कहाँ मुक्तागिरी और कहाँ खजरा हो, हजार किलोमीटर से ऊपर बैठ जाए। सबकी हालत खराब थी, कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं था। अब गुरु तो गुरु ही होते हैं, देखो उनकी महिमा दो। उन्होंने कहा ये लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और चलने के, और हमें पंचकणा के बाद विहार करना ही है, फिर से विहार करना है, और ये लोग हतोत्साहित दिख रहे। तो उन्होंने शिखर जी की चर्चा छोड़ दी। शिखर की चर्चा छोड़ते हम लोग में जोश आ गया। अरे हम लोग आचार्य जी कहते, देखो शिखर जी बहुत दूर है, आप लोग इतना चल के आए हो तो आप लोग थक जाओगे। नहीं नहीं नहीं, आप तो चलो। शिखर जी के नाम पर हम लोगों में इतना जोश आ गया, इतना जोश आ गया, समवेत शिखर की वंदना करेंगे गुरु के साथ में सब, और सब आचार्य से हम लोगों का जोश देखते ही बनता था। आचार्य जी कहते, कल तक तो तुम लोग कह रहे थे महाराज जी अब कोई बड़ा विहार नहीं हो। नहीं नहीं, आप लोग चलिए, शिखर जी चल रहा है। आचार्य जी बहुत खुश, बोले आ गई, दम आ गई। सब करके पन्ना की बात है, पन्ना की चर्चा है। हम लोग जैसे आगे बढ़े तो शिखर जी का रास्ता जाता था पन्ना से सतना की तरफ, तो हम लोग शिखर जी तो जा ही रहे, तो आचार्य से साथ चलती भीड़, उनके साथ तो चलना मुश्किल होता है, और पीछे जाओ तो धूल खाओ। तो आचार्य जी को जैसे ही थोड़े बहुत लोगों ने गिरा, और अपन लोग कहा चलो अपन तो चलते, रास्ता तो अपन को मालूम है, नक्शा देखा है अपन ने, और चल करके हम लोग बहुत तेजी से चल करके शिखर जी के नाम पर थकत आ गई। सब महाराज लोग, आचार्य जी अकेले बचे, एक दो महाराज और उनके साथ थे, बाकी हम लोग सब आगे जा करके दो तीन किलोमीटर आगे चले गए। चौराहा आया, चौराहे पर आचार्य जी एक मिनट तो खड़े हुए, लोगों ने बताया, और बस वे तो मुड़ गए देवेंद्र नगर की तरफ। और हम लोग दो किलोमीटर आगे, लोगों ने महाराज नहीं आ रहे, मन के आचार्य नहीं आ रहे, रास्ता आचार्य से बताओ, शिखर जी का रास्ता ये है, वो भूल गए होंगे। तो आज लोग महाराज जी, महाराज लोग कह रहे हैं कि शिखर जी का रास्ता है ये, तो वो उधर MP नैनागिर तरफ जाता है। तो आचार्य जी कहते हैं, उनसे कह दो महाराज जी को मालूम है। अब 2 किलोमीटर जो हम लोग लौटे, 200 किलोमीटर से ज्यादा थे वो 2 किलोमीटर, और आचार्य जी शाम को जहां रोके वहां हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। आचार्य जी अलग रुके, हम लोग अलग रुके, पहुंच ही नहीं सके वहां पर। आचार्य जी क्यों नहीं आ पाए, बोले महाराज वे लोग बहुत थक चुके हैं। बोले शिखर जी के लिए नहीं थके थे, शिखर जी के लिए तो मेरे से आगे निकल रहे हैं, और यहां तक नहीं पाए, 8 किलोमीटर नहीं चल पाए। देखो कैसी बात है। आचार्य जी ने कहा सुबह दूसरे दिन, देखो अनियत विहार का आनंद है अलग, शिखर जी की वंदना में भी वो आनंद नहीं है जो अनियत विहार का आनंद है। बोले मेरा मन भी था, मैं भी खजुरा से उसे उठा था तो यही सोच के उठा था कि सतने के रास्ते पे चलना है। आचार्य ने खुद कहा मेरे मन में भी यही था, मेरे भाव में यही था, और मैं भी यही बनकर कदम बढ़ा रहा था। लेकिन चौराहे पर आकर के मन ने कहा नियत विहार कब से सीख गए, तो नियत बन के चलोगे, तुम्हारा हर कदम अनियत होना चाहिए। आचार्य ने बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाया था। उनका आचार्य ने कहा कि मेरे मन में आया कि हे श्रवण, तुम्हारा हर कदम अनियत होना चाहिए, एक कदम भी नियत नहीं होना चाहिए, दूसरा कदम कहां उठेगा ये नहीं होना चाहिए। बस ये बात जैसे आई, मेरा अनियत कदम चौराहे पे, चौराहे तक पहले मेरा भी बचा रही था, लेकिन बस अनियत जीत गया, नियत हार गया, नियत हार गया, अनियत आया। बोले अनियत का आनंद लो, मेरे मन को भी पता नहीं है कि मैं कहां जाऊं। सच्चा राजा वही है जो क्या करने वाला है उसके मन को भी पता नहीं रहता, क्योंकि मन बेईमान है। अच्छा राजा अपने अंदर की कोई भी बात, राजनीति बात, अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, माँ को भी नहीं बताता, अपने मन को भी नहीं बताता, क्योंकि मन किसी से प्रभावित हो सकता। अच्छा राजा जो है
अपने मन को भी नहीं बताता, मन से बहुत बातें छुपा के रखता है। नीति है, राजा अपने मन से भी बहुत बातें छुपा के रखे, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं। परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति जो होता है, घर का पुरुष, घर का मुखिया जो होता है, वो अपने परिवार को कभी पूरी बात नहीं बताता। पत्नी कहती है मुझसे क्या छुपाना है, मुझसे क्यों छुपा रहे हो, कई बार इसी पे झगड़ा होता है, महाराज जी हमसे झूठ बोलते हैं। तो पति कहता महाराज जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बताता नहीं हूँ, इसलिए झूठ का आरोप है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन सही नहीं बताया। झूठ कभी बोला नहीं है और सही बात हम कभी बताई नहीं, बताई नहीं तो कहते झूठ बोलते, मुझसे क्यों छुपाते हो। ये आप लोगों में ऐसी कहा सुनी होती है कि नहीं, कि हमने सुनी? कभी कभी तो होता होगा, पत्नी कहती हो तुम मुझसे क्या छुपाते हो, होता है। ये अच्छे व्यक्ति का लक्षण है, अच्छे मुखिया का लक्षण, अच्छे राजा का लक्षण है और अच्छे गुरु का लक्षण है। अच्छा गुरु अपने शिष्य को सब बात नहीं बताएगा, बहुत सारी बातें नहीं बताएगा, छुपाएगा। यदि अच्छा गुरु होगा तो कितनी निकालने का प्रयास करना, पर गुरु से कहो मुझे बताने में क्या आपत्ति है, तो गुरु कहता है कि मेरे मन को ही पता नहीं है, तुझे क्या बताऊं। हम लोगों ने अचासी से पहले खूब कहा, अचासी थोड़ा सा बता दिया करो पहले से, देखो हम लोगों के थोड़ा बता दो, जैसे किताब बता में समेट लिया करना, अब आप चले जाते हो फिर बाद में हम लोग दौड़ते, थोड़ा सा इशारा। तो आचार्य भैया मैं तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम लोगों को परेशान करने में मुझे मज़ा नहीं आता है, मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ, मैं खुद निर्णय नहीं कर पाता हूँ और चल देता हूँ, मैं खुद निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ चल देता हूँ, तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ। होता है कई बार। तो अनियत विहार का साधु का जो बात कर रहा था, अनियत हो जाओ हर धार्मिक क्रिया में, अनियत हो जाओ 24 घंटे में, अनियत हो जाओ, बस हर क्रिया करो अनियत, खास तौर से धर्म की, क्योंकि प्रमाण सीमा पाप की बनाई जाती है, धर्म की नहीं। अशुभ का परिमाण होता है, पापों का परिमाण होता है, धर्म का नहीं। और 99% लोग धर्म का परिमाण बनाए हुए, पाप का नहीं। ये तो कहेंगे भाई तुमने ये वस्तु कितने दिन के लिए छोड़ी, इतने दिन के लिए, लेकिन खाएंगे कितने दिन, जैसे उपवास करते आप, एक दिन के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया ना, ठीक कर दिया, अब इतना और बता दो कितने दिन खाओगे। उपवास लेने का तो तुमसे, हाँ महाराज 24 घंटे नहीं खाऊंगा, नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं नहीं खाऊंगा, ये बताओ खाओगे कितने दिन, वो है परिक प्रमाण, वास्तविक उपवास वो है, मैं 7 दिन खाऊंगा बस। और खाने का विकल्प भी क्यों, आज खा रहा हूं कल, कल का कल देखा जाएगा, कल उपवास का भाव हो गया तो नहीं, ये मैं चीज कल खाऊंगा, आज तो नहीं खाना कल खाऊंगा, कल उपवास हो गया तो कल ऊपर चले गए तो उसी में कीड़े बनोगे जा करके, हाँ वो डिब्बे में जो मिठाई रखी है ना उसी में मिठाई रखी ना एक कल के लिए, तो उसी में मर गए तो कीड़े बनोगे चीटी चीटी उसी में। इसलिए कम से कम धार्मिक क्रियाओं के संबंध में कहूँगा, संसार में तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, धार्मिक क्रियाएँ करते समय अनियत, कभी एक दिन आना। तो मैंने कहा कि मैंने अपने आनंद की अनुभूति की बात बताई, कि अनियत विहार, अनियत क्रिया, अनियत सामायिक, अनियत प्रतिक्रमण करना, कभी अनियत प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण का अनियत काल होता है प्राय, कि प्रतिक्रमण करना उसके बाद वंदना को चलना जल्दी 10 मिनट में, 15 वहां 20-25 मिनट तो पक्का हो ही जाएगा। कई बार हम लोग भी कह देते हैं अरे प्रतिक्रमण करना कितने टाइम, अरे 20-25 जल्दी कर लूंगा, मैं थोड़ा जल्दी कर लूंगा, करते भी उस प्रतिक्रमण मजा नहीं। अनियत प्रतिक्रमण हो जाए, पता नहीं प्रतिक्रमण की कौन सी पंक्ति पर ध्यान रुक जाए, चलने दो,
पांच घंटे छह घंटे में प्रतिक्रमण करो पूरा, अनियत चल रहा है प्रतिक्रमण। अभी क्या चल रहा है? बोले जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणता प्रलयम प्रयान्ति तस्मात् तदर्थम मुनिबोधनार्थम वक्षे विचित्र भव कर्म विशोधनार्थ। अरे आपको छह घंटे हो गए बैठे हुए, अभी एक लाइन पे है? बोले अभी मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, अनियत प्रतिक्रमण चल रहा है। कौन सी वस्तु पर रुक जाए? अरे ये व्रत है, ये व्रत है, इस व्रत में तो मैंने इतने बार दोष लगाए, इस व्रत को तो वहां भी दोष लगा। प्रतिक्रमण पाठ इतने जल्दी होता है कि दोषों का स्मरण करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ बड़ी महामंत्री हिरिया भैया बराना उडमोम चरतनवा होमोम चरतनवा त्रिमोम चरतनवा विधिमोम चरतनवा फाण चंगबंदा भी चंगबंदा हरि चंगबंदा उत्तंग पणा दय मट्टी मक्कर मंत्र जतन संग पुड़िकाय संगना ये आउकाय संगना भावकाय संगना गणपति काय संगना तस्काय संगना उद्दा बड़ा पर्दा बड़ा बराना इत में जो कोई हिरिया भैया यही चार वही चार मन तो क्रम। अब कौन सा पढ़ना? एक उच्च पंडित महामंत्री उच्चार पर यही है ना बच्चा। अब बोलो, अब दिन भर में जो प्रमाण लगी वो तो सोचने का मौका ही नहीं मिला, और इरिया समिति का प्रतिक्रमण हो गया। इरिया समिति का प्रतिक्रमण हो गया, और प्रतिक्रमण क्या है? इरिया समिति का शुरू कर रहा हूं। परिक्रमा में इरिया भैया ये शुरू करना है, रुको अभी। मैं कहाँ चला था? वहां गया था, वहां पर इस प्रकार की जीव की स्थिति थी, वो मर सकता है। वहां घास भी था, एक पत्थर भी था, वो हिल रहा था, और मैंने उस पर पैर रखा था, वो पत्थर हिलते समय उसके नीचे जी मर सकता है। उन सब का स्मरण करो, पहले स्मरण करो उन सबको, एक एक चीज का स्मरण करो। दिन भर में कितने चले हो, कहाँ कहाँ चले हो, और फिर उसको पढ़ो। पड़िकमामी भंते हिरिया भैया बिहाना उडम चले तणबा, इधर उधर मैंने कितनी बार देखा था, उडम चले तणबा अहो मोह चले तणबा अहो मोहम जदा ओहम उडम अहो मोह दिट्टी बिट्टी, इधर सब एक एक चीज का देखो। अनियत प्रतिक्रमण करो कभी एकाध बार, अनियत प्रतिक्रमण करो एक बार, कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण करने बैठ रहा हूँ। आज सही आलोचना करूंगा 24 घंटे की यशना समिति की, आदान निक्षेपण, कितने बार मैंने पीछे कमंडल उठाए, कितने बार साथ उठाए, कितने बार बैठा, कितने बार उठा, सब देखो क्या उस प्रतिक्रमण का अर्थ तो लगाओ। जो जो उसमें दिया है उसको यदि हम एक एक सेकंड भी देवें, किसको विचार तो करें, विचार ही नहीं पाठ, पाठो न करे दी गुणम, पर पाठ हो रहा है बस चलते जा रहे, एक श्वास में पूरा पद निकाल देते हैं, एक श्वास में पूरा पद निकाल देते और 25 मिनट में निपटा देते, और कहो 5-1 मिनट और बचा सकता हूँ, 20-1 मिनट में भी कर लूंगा थोड़ा, और लपसी कर जानूंगा जल्दी। अनियत समय, अनियत विहार, अनियत हार, कहाँ जाओगे हार को? क्या महावीर ने कहा, तू अनियत विहार आहार कर, कोई भरोसा नहीं, जहां भाव आएगा खड़ा हो जाऊंगा। अनियत विहार कोई निश्चित, यही व्रत पर संख्यान है। व्रत संज्ञान का अर्थ है नहीं कोई नियम लेना, ये भी व्रत पर संज्ञान है। आज कोई नियम नहीं, जहां पैर रुक जाएंगे वहीं खड़ा हो जाऊंगा। अनियत विहार प्रत्यज्ञान, व्रत पर संज्ञान कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार और भी चर्या, सब चर्या में आपकी ऐसी उसका एक आनंद अलग है। समय मत बांधो, क्योंकि मौत का समय नहीं है। एक दिन आप लोग भी मंदिर आना, कभी अशुभ मत मानना, मेरी बात अशुभ लग रही होगी। परिवार कहाँ जा रहे मंदिर, कब तक आओगे? बोले मंदिर को लौटने के लिए जाया जाता है, जा रहा हूँ भगवान के पास। भगवान के पास से कभी लौटा जाता है क्या? कैसी बात करते तुम महाराज जी, ऐसा कहते वो मंदिर और नहीं आने देंगे, और उन्होंने और बैठ जाएंगे, ऐसी अशुभ शब्द क्यों बोलता है? अशुभ नहीं है, शुभ है, शुभ है। कोरोना वालों को मैं कह रहा हूं ना, जब तुम जैसे अस्पताल जाओ, घर से बोल के जाना,
कोरोना के लिए एडमिट कर रहा है डॉक्टर, बिल्कुल विश्वास मान के चलना, लौट के नहीं आऊँगा, सब तरफ से फ्री होके जा रहा हूँ। और हुआ है ऐसा, लोग लौट के नहीं आए। तो जब ऐसा हो जाता है तो अपन ऐसा करें क्यों नहीं, और आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो देखो। अब मुनिराज की बात चर्चा थी कि मुनिराज को कह दिया कुछ नहीं, तुम कमरे में लौट के आओगे कि नहीं, तुम्हें पेंशन मिलेगी, सब तुम्हारा कोई, तुम तो ये मान के चलो बस सप्तम में जा रहा हूँ, अष्टम में जाऊँगा, नौवें में जाऊँगा, दसवें में जाऊँगा, सीधा बारहवें में छलांग लगाऊंगा, और तेरहवें गुणस्थान में जाऊँगा, और चौदहवें में जाऊँगा, और चौदहवें से सिद्धालय जाऊँगा। काले कल्प सत्य पिछा गते सिवा नाम नच विक्रिया लक्ष्या। मैंने दीक्षा ही ली इसीलिए है, फेल होने के लिए नहीं दी। पहले दिन का सप्तम गुण स्थान बता रहा हूं, किनको बनता है जो ये भावना बातें, कहां लौटना है ही नहीं हमें। गुरु का अंतिम वाक्य सुनो, इसके बाद सुनने नहीं मिलना है। गुरु को अंतिम दर्शन करो, इसके बाद दर्शन करने नहीं मिलना है। इसके बाद तुम गुरु से दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि दीक्षा ले रहे हो। अंतिम दर्शन कर लो गुरु का, और आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद करता है ये सोचना चाहिए कि जाऊंगा। ये तो हुई प्रवेश करने की बात, कल भी कही आज भी कही। लेकिन कितने लोग हैं जो सप्तम में गए तो लेकिन अष्टम में नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। सहस्रों बार एक भी साधु आज तक सप्तम से सीधा अष्टम में नहीं गया, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। हजारों बार छठा सातवां होना ही पड़ेगा, गिर गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने प्रयास पास होने का किया था कि फेल होने का? पास होने का, फेल हो गए। 100,000 ने फॉर्म भरा था, 1,000 IAS ऑफिसर की पोस्टें थी, 99,000 फेल होने ही थे। लेकिन परीक्षा के पहले तो 100,000 कहते सब पास होंगे, लेकिन अब फेल हो गए, बस खत्म बात हो गई। आ गए छठे में गुरु देख रहे हैं दीक्षा दे समय, ये धीरे धीरे आंख खोल रहा है, फेल हो गया, थोड़ी हलचल भी हो रही है, फेल हो गया। अब फेल होने के लिए कोचिंग चाहिए। दीक्षा के बाद गुरु शिष्यों को देखते रहते हैं, एक टक देखते हैं किसकी आंख कितनी जल्दी खुल रही है। खुलते ही तुरंत आचार्य कहते फेल हो रहा है, आंख पे स्पंदन हो रहा है, शरीर में हलन चुलन हो रही है, और इसने तो आंख ही खोल दी, ये तो मेरी तरफ ताक रहा है। इधर आचार्य तुरंत समझ जाते हैं ये फेल हो गया, अब इसको कोचिंग चाहिए। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके माँ बाप कोचिंग करते हैं। फिर गुरु महाराज कहते हैं अच्छा हो गए शिक्षा? हाँ साहब हो गई। आ गए नीचे? आ गए। अब पकड़ो ये पिछी कमंडल। फेल होने वाले को पिछी कमंडल हैं। रत्नत्रय अलग ही से, रत्नत्रय की दीक्षा होती है 28 मूल गुण बाद में दिए जाते हैं। रत्नत्र जहां आ जाता है वहां दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया। फिर एक एक मूल गुण को समझाते हैं, तुम नहीं रह पाए स्थिर, चलोगे अब ऐसे चलना, अब कानून लागू होगा, ऐसे खाना, ऐसे बोलना, ऐसे उठना, ये चश्मा पकड़ो, अब ले लो ये चश्मा, गुरु ने दिया, अब ये उपकरण था। दीक्षा के पहले परिग्रह था और दीक्षा के बाद वो उपकरण। दीक्षा के बाद वो उपकरण है और दीक्षा के पहले परिग्रह था। एक एक चीज पर आप लोग भी घर जाओगे 5 मिनट बाद चले जाना, माला फेरते समय 5 मिनट फेर लेना, जाना घर, लेकिन माला फेरने के पहले संकल्प नहीं करना। माला कर फेरने के बाद तुम्हारा मन चंचल होगा, तुम्हें घर की याद आएगी, तुम्हारे लिए परिस्थितियां हैं, 5 मिनट माला फेर के चले जाना, कोई भी कर। फेरने के पहले असीम करो,
दीक्षा लेने के पहले सब छोड़ो, बाद में सब तुम ग्रहण कर लेना, लेकिन एक बार तो छोड़ दे दो। इसी बात को लेकर कल की चर्चा थी अपनी, एक बार तो छोड़ दो, एक बार तुम मंदिर आते समय छोड़ दो, बस समय मत मानना। कोई पूछे कितनी देर लौटोगे, मंदिर जा रहा हूं साहब, भगवान के पास से लौटने का कोई समय नहीं होता। अनियत है, अनियत दर्शन करो, अनियत भगवान की संगति करो, अनियत पूजा करो। कितनी पूजा करोगे, बोले कोई नियत पूजा नहीं है, एक पूजा बंद कर करने के बाद बंद कर देना, पर पहले संकल्प मत करना मैं एक करूंगा, पहले संकल्प मत करना, एक करके ही बंद कर देना, लेकिन अनियत करूंगा। कितनी करोगे, बोले मन की बात है, लग गया मन तो लग गया, करूंगा। असीम कर दो, धर्म की हर क्रिया को असीम कर दो और संसार की हर वस्तु को असीम त्याग दो, बाद में सब गिर के आओगे। गुरु बैठे ही है देने के लिए, गुरु बैठे ही है देने के लिए। जैसे आंख खुलती है मुनि को फीलिंग होना चाहिए, फेल हो गया मैं, आंख खुल गई मेरी। अब आचार्य कहते हैं जब तूने आंख खोली ली है तो किसको देख रहा है, कौन है तेरे, तू सबको छोड़ के गया था, अब कौन है तेरे, कौन है तेरे, किसको देख रहा है। दीक्षा के पहले तूने सबसे क्षमा मांग ली थी, सबको छोड़ दिया था, अब कोई तेरा नहीं है, तिल तो स्मार्त भी मेरा नहीं है, अब किसको देख रहा है, किसको देख रहा है। किससे बोल रहा है, किसकी सुन रहा है, किसके संबंध में सोच रहा है, कहां जा रहा है, क्या करेगा, प्रश्न है, प्रश्न है। मां बाप को देख रहा है, छोड़ चुका है, परिवार बार बच्चों को खोज रहा है, तेरी आंखें, त्याग चुका है, अपने मकान को देख चुका है, देख रहा है, त्याग चुका है। जो जो चीजों को तुम देखोगे सबको त्याग चुके हो, सबको त्याग चुके हो। आहार करूं, छोड़ चुके हो, छोड़ चुके हो। चश्मा उठा लूं, छोड़ चुके हो, सब छोड़ चुके हो, सब तुम कर चुके हो, कुछ नहीं। तब वो कहता है गुरुदेव आपने तो मुझे फंसा दिया, फंसाया नहीं, मार्ग यही है, अब ठीक है, देखना है, आंख बंद नहीं होगी, बोले नहीं देगी, तो देख आंख को इतना बड़ा कर लो कि किसी एक को मत देखना, सारी दुनिया को देखना। संबंध बनाना है तो सत्वेश मैत्री, सभी जीव को अपना बना ले, अब एक कोई पर्टिकुलर परिवार के नहीं, यदि देख नहीं है तो सबको मित्र दृष्टि से देख, सबसे संबंध बनाओ, जैसे कल कहा था संबंध बनाओ। आंख खुल गई है, कान खुल गए हैं, सबकी सुनो, बोल रहे हो सबसे बोलो, किसी व्यक्ति विशेष को मत बोलो, बोलना ही है अब तो। भाव तो ये था कि तू आज के बाद कभी बोलेगा ही नहीं, लेकिन बोलना ही है तो व्यक्ति विशेष से मत बोलना, जो कुछ बोलो सबके लिए बोलना, जो कुछ देखो सबके लिए देखना, जो सोचो सबके लिए छोड़ना, सुनो सबकी सुनना। आहार कौन कौन किससे लोगे, असीम कर दो, कौन आहार देगा, गोचरी करो सबसे। आहार कहां जाओगे, कोई दिग्व्रत नहीं, देश व्रत नहीं मुनि का, मुनि हो तुम कहां जाना हो, नहीं नहीं तुम्हारा कोई दिग्व्रत देश व्रत नहीं, जाओ चलते जाओ, अनियत विहार करो, कहां जाओगे, दुनिया में जन्नत में। सुबह उठते ही देश व्रत, नहीं कोई देश व्रत नहीं, आज दिन भर कहां चलोगे, किस दिशा में जाओगे, कोई दिशा नहीं, सभी दिशाओं में कहीं भी जाऊंगा, तुम्हारे लिए नहीं कहा, हमारे लिए कोई दिग्व्रत देशव्रत नहीं होता। देशव्रत यदि हमने बांध लिया आज दिन भर में यहां जाऊंगा, नहीं कर सकते आप, चारों दिशाएं खुली हैं, अनियत विहार, कोई दिग्व्रत देशव्रत नहीं होता। अमेरिका जा सकता हूं मैं अभी, मेरा कोई नियम नहीं,
तुम मत जाना भाई मेरे साथ, नहीं तो कमंडर उठाने महाराज मैं भी चलूं। तो जब त्याग है कि नहीं मुझे पता नहीं है, अभी नहीं वो गड़बड़ बना, कहाँ का त्याग है वहीं जाऊंगा मैं, जाऊंगा मैं, जा सकता हूँ अमेरिका जा सकता हूँ। अभी बात अलग है कि जाने का रास्ता साफ नहीं हुआ तो लौट आऊंगा, लेकिन मेरे जाने का त्याग नहीं है, क्योंकि मुनिराज को कहा गया जम किंच विचिंतन तो निरीभित्ति हवे जदा साहू, जम किंच विचिंतन तो निरीभित्ति हवे जदा साहू। कितनी बड़ी बात कही, ये चिंतन पे ही मत लगाना, शब पे लगाना। हम कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, जम किंचित, जब भी जो कुछ भी देखना चाहो सब देखो, अकेले चिंतन भी नहीं लगाना। साधु क्या देखेगा, सब देखो, क्या सुनेगा सब सुनो, क्या बोलेगा सब बोलो, कहाँ जाओगे हर स्थान पर जाओ सर्वत्र, क्या करोगे सब करो। निरीवित्ते हवे जदा साहू, मूल छेदो नहावदे, बस तुम वह सब कुछ कर सकते हो जिसमें तुम्हारा मूल गुण मूल मार्ग दूषित ना हो, जिससे तुम्हारी अपराध प्रति न बढ़े, स्वयं और पर का आहित ना हो, बस ये कर सके। फिर सब खोल दिया। अब इसलिए अपनी चर्चा चलती मैत्री की, बनाओ मैत्री, बनाओ संबंध, जितने बनाओ असीम कर दो संबंधों को। एक बात बनाओ जगत के संबंध, प्रवचन के प्रारंभ में कहा था ना, मैं कुछ सोचो जगत के संबंध, तुम जीते जी देवता बन जाओ दुनिया के। दुनिया कोई कहे कौन मरा है, बोले इस जगत का भगवान मरा है। कौन मरा है, जगत का देवता मरा है। अभी लाभचंद जी का जब हुआ सारोला वाले, सुना है कि वहाँ गांव वाले रह गए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, उनके बेटे का नाम विनोद है। बोले तुम्हारा बाप नहीं मरा है, तुम्हारा पति नहीं मरा है, मेरा मालिक मेरा देवता मरा है। गांव वाले पुलिस रोक रही, वो कहते नहीं मैं अपने देवता के मरने पर बैठने जाऊंगा। लाइन लगी है आज 4 दिन हो गए बाद, कोई मानने को तैयार नहीं। वो कहते तुम्हारा बाप मरा ही नहीं, वो तो देवता था। तुम्हारा पति नहीं, वो तो सारे इस पूरे एरिया का स्वामी था, मालिक था। पति सब धकेले पत्नी के साथ ही थोड़ी लगता है, जगत पति राष्ट्रपति पति का स्वामी, वो तुम्हारा ही स्वामी नहीं था, हमारा स्वामी था, हमारा मालिक था। हर व्यक्ति कह रहा देवता गया है देवता, बस मानुआ। यही मैं 2-3 दिन से कहना चाहता हूं, जीते जी तुम भगवान कब बनोगे, छद्मस्थ अवस्था में तुम भगवान के नाम से कब पूजोगे। अरे भगवान बन के तो दुनिया पूछती है, भगवान बनने के बाद दुनिया पूछती है, और जो भगवान बनने के पहले भगवान बन के पूछता है वो महान होता है, उसके बनते हैं मंदिर, उनके बनते। जो भगवान बनने के पहले भगवान बन गए, भगवान के नाम से पूज रहे, भगवान बनने के बाद तो दुनिया भगवान बन गई, लेकिन भगवान बनने के पहले कोई भगवान बन के दिखाए कितना कठिन। भगवान बनने के बाद मैं भगवान बनने के बाद सारी जगत को दिखा दूंगा कि मैं भगवान हूं। अरे वो तो तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो हो ही। भगवान नहीं बने हो, भावी पर्याय वर्तमान में आ जाए। मैंने तुम्हारी एक पूजा की पंक्ति सुनी, बड़ा सोचा, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। मैंने कहा ये सब मिथ्या दृष्टि है क्या, मिथ्या दृष्टि है क्या ये, मुनि महाराज को सिद्ध करे। सोचता हूं विचार करता हूं, सोचते पता चला अरे ये कह रहे हैं हमारी मुनि दशा ही मुझे सिद्ध जैसी दिख रही है, यानी मुझे तो यही सिद्ध लग रहे हैं, अभी सिद्ध बने नहीं। जो मुनि को देखकर भक्त कहे मैं साक्षात अरहंत सिद्ध के दर्शन कर रहा हूं, समझ लेना वही सच्चा मुनि है, बाकी तो सब हैं सो हैं। उनको ऐसी प्रतीति हो जाए साक्षात जिन मुद्रा है, क्या अंतर है दोनों में, साक्षात जिनंद मुद्रा और इस मुद्रा में कोई अंतर नहीं आता है। वो एक कहते हैं भजन गाते ना तुम, भगवान सच सच बताना कहीं भगवान तुम ही तो नहीं हो, तुम ही तो नहीं हो,
लोग कहते हैं कि मन मंदिर में भगवान वो है जो मन मंदिर में बैठता है, तो भक्त कहता है मेरे मंदिर में तो आप ही बैठे हो, कहीं आप ही भगवान तो नहीं हो। चूक जाए मुनि के दर्शन करते करते भक्त को भगवान की कल्पना हो जाए कि मैं मुनि का दर्शन कर रहा हूं कि भगवान का, नीचे के पढ़ना नहीं कर रहा हूं मैं, मुनि के दर्शन कर रहा हूं कि मुनीम का, ये नहीं कह रहा हूं। नीचे व्यक्ति का दर्शन करते उसमें ऊपर की कल्पना हो जाए, नीची दुकान ऊंचे पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं, दुकान तो नीची है और पकवान ऊंचा है। मुद्रा मुनि की है और दर्शन करने वाले को दिख रहा है साक्षात जिनेन्द्र भगवान, मैं तो भगवान के दर्शन करके आया, भगवान के दर्शन करके आया साक्षात। बोले भगवान नहीं महाराज हैं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा, भगवान की और गुरु की मुद्रा में कोई अंतर नहीं, एक समान महानुभाव। मंत्र पकड़ो, होमवर्क पढ़ो पकड़ो, नीति पकड़ो, क्या तुम जहां हो तुम्हारा भक्त दुनिया तुमसे ऊंचा मानने को तैयार है कि नहीं है? तुम वो हो नहीं लेकिन दुनिया तुम्हें मान रही है, तुम सिद्ध हो नहीं वो सिद्ध मान रही है, तुम अरहंत हो नहीं वो अरहंत मान रही है, तुम भगवान हो नहीं भगवान मान रही है, तुम देवता हो नहीं, मनुष्य मरा है और लोग कहते हैं देवता मरा है। किस क्षेत्र में आपने ये ख्याति हासिल की है, किस क्षेत्र में क्या हासिल की है, कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए कहने वाला है कि मैं तो साक्षात देवता का दर्शन, भगवान बनने के पहले, भगवान बनने की प्रक्रिया बता रहा हूं, भगवान बनने के पहले बहुत बलिदान, मैंने तो सिर्फ देखा है चिंतन किया है, भगवान बनना भी इतना कठिन नहीं है, लेकिन भगवान बनने के पहले भगवान के समान पूजना, भगवान के समान लोग मानना, भगवान के समान लोगों के मन में भाव आना, ये सबसे कठिन है। भगवान बनने में कोई कठिनाई नहीं है, ज्यादा कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, सारी दुनिया बनती 608 बनते हैं, 608 बनते हैं, 6 महीने 8 सब भगवान बनते, काय का कठिनाई है, नियम है। लेकिन भगवान बनने के पहले दुनिया के भगवान बन के दिखाओ। महाराज जी जब भगवान ही नहीं बना तो भगवान करके कैसे दिखाऊं, यही तो है, नहीं तो काय को चिल्ला रहा मैं, नहीं तो मैं कह देता 18 दोषों से रहित हो जाओ भगवान बन जाओ, नहीं, संसार में रहकर संसार को तज सकता है, संसार में रहकर संसार छोड़ने के बाद महाराज मैंने संसार छोड़ दिया, अरे वो तो सब छूट गया मुझे दिख रहा है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। एक कभी संस्मरण शायद सुना होगा, एक चौक छोटा एक ऑफिसर ने इंटरव्यू ले रहा था, बोले जाओ डाक खाने, वो चिट्ठी होती ना पहले चिट्ठियां आती थी, पोस्ट कार्ड लेके आओ बिना पैसे का। अरे कहते भाई सब चीज फोकट में मिल जाती साहब, पोस्ट कार्ड कभी फोकट में नहीं मिलते डाक खाने के। बोले पैसे तो सब लेके दिखाते हैं हम, तो बिना पैसे के लाके दिखा तो इंटरव्यू पास होगा। 60 विद्यार्थी सबने कहा साहब पोस्ट कार्ड तो फोकट में नहीं आता, फोकट में नहीं आओ तो पैसा लगते, चाहे हमारे लगे चाहे किसी के, पोस्ट कार्ड तो लगते। तो ऑफिसर कहता नहीं पैसे में तो दुनिया ला के देगी, तू बिना पैसे का ला के दिखा। तो बोले क्या पोस्ट कार्ड में डाका डालूं? बोले डाका नहीं डालना है, लेके आना है। एक विद्यार्थी था, उसने कहा साहब कितने चाहिए? बोले बिना पैसे का। हाँ साहब बिना पैसे के, आप पहले देख लो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक व्यक्ति लगा दो यदि मैं बिना पैसे का लाऊं, कहीं से पैसा मांग के लाऊं। कितने चाहिए साहब? बोले एक नहीं ला पा रहा कोई, तो कितने लाएगा? बोले आप तो बोलिए कितने चाहिए। बोले 5 पोस्ट कार्ड ला, बिना पैसे के लाना जी। उसके पीछे लोग लगा दिए कि देख भाई ये गड़बड़ नहीं करे, पैसे सब निकाल लिए। और वो गया एक कचरा घर में, तो उस कचरा घर में 10-15 चिट्ठियां पड़ी थी, चिट्ठियां पहले चिट्ठी आती पढ़ के फेंक देते, तो वो चिट्ठियां उठा करके लाया। बोले साहब ये है। बोले ये तो लिखी हुई है। बोले साहब
कोरे पोस्ट कार्ड पर तो दुनिया लिखती है, लिखे पर लिखाओ तो हमारा बॉस जानू तुम्हें, लिखे पर तो दुनिया लिखती है, लिखे पर लिख के कोरे पर तो दुनिया लिखती है, आप लिखे पर लिख के दिखाओ। बोले इस पर मैं क्या लिखूं, मुझे पोस्ट कार्ड चाहिए था। बोले साहब कोरे पोस्ट कार्ड पर तो दुनिया लिख देता है, लेकिन लिख के बताओ, लिखे पर लिख के बताओ तो जानो। वो ऑफिसर भी जानता था कि फोकट में पोस्ट कार्ड नहीं मिलते, वो तो ये जानता जानना चाह रहा था कि इसमें दिमाग कितना है। बस उसे ज्वाइन हो गया, पास हो गया। बोले वाह। बोले साहब जब दुनिया में आपको मालूम है, उसने कहा तुझे मालूम है कि लिखे पर नहीं लिखा जाता। बोले साहब आपको भी मालूम है कि पोस्ट कार्ड कभी बिना पैसे का नहीं मिलता। कौन है बिना पैसे का, और तो पढ़ने मरने कहीं से पोस्ट कार्ड में तो पैसे छपा है। तो जब बिना पैसे का आप जानते हुए भी बिना पैसे पोस्ट कार्ड है, तो मैं भी जान रहा हूँ लिखे पर नहीं लिखा जाता, लेकिन आप बहुत से शायद आपके पास कला हो, मेरे गुरु जी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लिखे पर लिख के बताओ। बस आज मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बनने के बाद नहीं, बनने के पहले वह दिखाओ, बनने के पहले दिखाओ, देवता बनने के पहले। मरने के बाद स्वर्ग कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं यही कह चाह रहा हूँ, तुम जीते जी स्वर्ग बना के दिखाओ और देवता बना के दिखाओ। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम जीते जी स्वर्ग बना के दिखाएंगे और उस स्वर्ग के देवता बन के दिखाएंगे। जीते जी, मरने के बाद तो दुनिया देवता बनता है, तुम जीते जी देवता बनो। मर के बाद दुनिया स्वर्ग जाता है, तुम जीते जी स्वर्ग में रहो। बहुत बड़ी बात। तीर्थंकर कैसे बने वो, कैसे दुनिया के संबंध में दुनिया का देवता कैसे बनूं? भगवान बनने के पहले एक भगवान शब्द चाहिए मुझे। हर साधु को मेरा कहना है, सिद्ध बनने के पहले कर्मों के सिद्ध कब बनोगे, दुनिया में सिद्ध कब बनोगे? बस एक भक्त की दृष्टि में सिद्ध बन के दिखाओ, बस साक्षात तो जब बनना है तो बन जाना। चापलूस भक्त के नहीं, हाँ नहीं तो दो चार भक्त बना लो किराए के, अरे कह दे रहे मैं हमारे गुरुजी सिद्ध भगवान हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देवता भी उतर आए तुम्हें नमस्कार करने के लिए, स्वधर्मेंद्र आके कह दे, वह निर्विकल निर्दोष व्यक्ति कह दे मैंने महाराज के नहीं भगवान के दर्शन किए, मैंने सिद्ध भगवान का दर्शन किया, मुझे साक्षात चलते फिरते सिद्ध नजर आए हैं। कोई तत्व ज्ञानी तत्व दृष्टि निरपेक्ष आदमी ऐसा कह देवे तो जरूर वो बनने के बाद भी इतना सगुन और इतना मांगलिक होगा कि जाने के बाद उसके नाम में भी अतिशय होगा। अब वो कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, अपन फिर चर्चा आएगी तो करेंगे। महावीर भगवान की।